पटना पर खतरा, पटना के एनआईटी घाट में इस समय कशिश की टीम मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे कि एनआईटी घाट के पहले बाहर का नजारा आप देखिए, फिर हम आपको अंदर का भी नजारा दिखाएंगे। ये बाहर का नजारा है पटना के एनआईटी घाट का, आप देख सकते हैं। गंगा अगर अभी की बात करेंगे तो डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। ये बड़ी बात है और ये पटना के लिए खतरे की बात है। ये एनआईटी का बाहर का इलाका बाहर का है और कहीं ना कहीं बाहर के इलाकों में आप देख सकते हैं जहां बिल्कुल फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ियां लगती थी, लोग आते थे एनआईटी घाट घूमने के लिए, लेकिन यहां हालात खराब हैं। पटना के गंगा का रौद रूप फिलहाल आज से 5-6 साल पहले जो हालात हुए थे पटना में, उसी तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। और पटना के एनआईटी घाट की स्थिति देख करके पता कर सकते हैं कि गंगा की स्थिति का, ये देखिए पूरा, ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बोरा लगाया गया है उसके बावजूद पानी प्रवेश कर चुका है। पटना रौद रूप में है, गंगा बिल्कुल रौद रूप में है। और केंद्रीय जल आयोग की माने तो आने वाले घंटों में भी लगातार गंगा में बढ़ोतरी जारी है और गंगा में लगातार कह सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पटना के एनआईटी घाट में पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, पूरा पूरा घाट है, पूरी तरह से लोग यहाँ नहीं है, लोग यहाँ से निकल गए हैं और डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर ये पूरा कह सकते हैं कि पटना का एनआईटी घाट पे केंद्रीय जल आयोग के अनुसार डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है गंगा और बिल्कुल पटना पर खतरा ही खतरा है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है, मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री का कई इलाकों में दौरा होगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि पटना का पूरा हम आपको दिखा रहे थे गंगा के पूरा रौद रूप, और ये रौद रूप अपने आप में बताता है कि किस तरीके के हालात बने हैं और क्या है। ये देखिए एनआईटी घाट का हम आपको एक बार फिर गंगा के अंदर का, ये बाहर अंदर दोनों का नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं पटना के एनआईटी घाट पर। गंगा का रौद रूप देखने को मिल रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं कि जहाँ लोगों की भारी भीड़ रहती थी वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है और गंगा अपने रौद रूप में है। फिलहाल निश्चित तौर पर कह सकते हैं खतरा है और खतरा पटना पर बरकरार हो गया है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बस निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री पटना का कई घाटों का भ्रमण कर रहे हैं। एनआईटी घाट भी उनके आने का कार्यक्रम है और फिर आइए गंगा का ये रौद रूप हमने आपको दिखाया और एक एक पहलू से हम आपको जरूर पूरी तरह से रूबरू कराएंगे अपने सहयोगी राजू के साथ। मरगोवालम एनआईटी घाट से।